पटना से धनबाद जा रही गंगा दामोदर ट्रेन में 93 स्कूली छात्राओं के साथ मनचलों ने छेड़खानी की है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर छात्राओं के साथ सफर कर रही महिला टीचर्स के साथ मनचलों ने मारपीट की। छेड़खानी की वारदात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए। रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंची इन लड़कियों के साथ ट्रेन में मनचलों ने बदसलूकी की है। पटना से धनबाद जा रही 93 छात्राओं के साथ गंगा दामोदर ट्रेन में मनचलों ने न सिर्फ छेड़खानी की बल्कि विरोध करने पर छात्राओं के साथ सफर कर रही महिला टीचर्स के साथ भी बुरा बर्ताव और मारपीट की। हमें कहना है, कहाँ थे हमारे रेलवे अधिकारी? उन्होंने क्यों नहीं हमें मदद दी कि हमारे सीट समय मिल जाते? एक ही तो ऑफिसर घूमते हुए आए, उनको एक को किया तो भाग गए, दूसरा बोले खुद से एडजस्ट कर लीजिए। वारदात पटना से कोडरमा के बीच की है। धनबाद के कार्मेल गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ने वाली ये लड़कियां स्कूल ट्रिप में पटना से धनबाद लौट रही थी। आरोप है कि पहले तो मनचले युवकों ने लड़कियों की सीट पर जबरन कब्जा कर लिया और फिर छेड़खानी और मारपीट भी की। कुछ अनाधिकृत वहां पर चढ़े गए थे जो उनको वहां से आने में परेशानी हुई, उनको सीट नहीं मिला। इस मामले को हम लोग अभी ज्ञात में आए, इसको हम लोग अपने काउंटर पार्ट के पास इसको सूचना के लिए हम दे रहे हैं आगे कार्रवाई के लिए। अब तो उसकी जांच के विषय उसके तो स्पष्ट हो ही जाएगा सब कुछ। लड़कियों के साथ छेड़खानी की इस वारदात पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि ट्रेनों में मुसाफिरों की सुरक्षा के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। नीरज कुमार के साथ श्रीकांत प्रत्यूष, जी मीडिया, पटना।